आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं RS धीमान एडवोकेट। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है, यानी कि आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 64 के अंतर्गत आबादी या आवासी भूमि का आवंटन या पट्टा और उसकी वरीयता क्रम का अनुपालन के संबंध में। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूवर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमि विधि के अंतर्गत धारा 64 आबादी आवासीय भूमि का आवंटन पट्टा और वरीयता क्रम का अनुपालन। धारा 64 यानी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमि विधि के अंतर्गत धारा 64 की उपधारा एक को तीन खंडों में बांटा गया है, का खा गा। तो धारा 64 की उपधारा एक में बताया गया है कि वरीयता क्रम का अनुपालन किया जाएगा आबादी या आवासीय भूमि का आवंटन पट्टा करते समय वरीयता क्रम का अनुपालन किया जाएगा। तो साथियों, अब हम देखते हैं खंड का, ग्राम सभा में रहने वाले अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित कोई कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर। पहले साथियों ये समझ लेते हैं कि कृषि श्रमिक क्या है। कृषि श्रमिक वो व्यक्ति होता है जो दूसरे की भूमि पर कृषि कार्य करता है, और जो व्यक्ति अपनी भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है, कृषि श्रम कर रहा है, वो कृषि श्रमिक नहीं होता है। और जैसे कि बताया गया है कि ग्रामीण कारीगर, ग्रामीण कारीगर में जैसे कुम्हार है, लोहार है, बढ़ई है, ये लोग आते हैं। तो हम देखते हैं ग्राम सभा में रहने वाले अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि कोई कृषि श्रमिक है, ग्रामीण कारीगर है, तो उसको आवंटन किया जाएगा आवासीय यानी कि आबादी भूमि का। और यदि कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और वो कृषि श्रमिक है या ग्रामीण कारीगर है, तो उसको भी आवंटन किया जाएगा। अब अन्य पिछड़े वर्गों, जैसे कि पिछड़े वर्ग में कोई व्यक्ति है और वो कृषि श्रमिक है, ग्रामीण कारीगर है, तो उसको भी आवंटन किया जाएगा आवासीय या आबादी भूमि का। अब देखते हैं कि यथा अवधारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित कोई कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर। कहने का मतलब है कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं और वो कृषि श्रमिक हैं या ग्रामीण कारीगर हैं, तो उनको भी आवासीय या आबादी भूमि का आवंटन किया जाएगा। अब देखते हैं खंड खा, ग्राम सभा में रहने वाला अन्य कोई कृषि श्रमिक या कोई ग्रामीण कारीगर। इन व्यक्तियों के अलावा जो खंड का में दिया गया है, इन व्यक्तियों के अलावा यदि ग्राम सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कृषि श्रमिक है, ग्रामीण कारीगर है, तो उसको भी आवासीय यानी कि आबादी भूमि का आवंटन किया जाएगा। अब देखते हैं खंड गा में, ग्राम सभा में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सामान्य श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति। कहने का मतलब है ग्राम सभा में रहने वाले अनुसूचित जाति का यदि कोई व्यक्ति है और वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो उसको आवासीय या आबादी
भूमि का आवंटन किया जाएगा। और अनुसूचित जनजाति का यदि कोई व्यक्ति है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है, तो उसको भी आवंटन आवासीय आवादी भूमि का किया जाएगा। अब पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो उसको भी आवासीय या आबादी भूमि का आवंटन किया जाएगा। और यदि कोई सामान्य व्यक्ति का सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति है जो सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है, तो उसको भी आवंटन किया जाएगा आवासीय या आबादी भूमि का, यानी आवासीय या आबादी लैंड का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं साथियों धारा 64 की उपधारा 2 में बताया गया है कि इस धारा के अधीन आवंटन करने में ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा जिसके पास उसके परिवार की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए या तो कोई भवन ना हो या अपर्याप्त हो। कहने का तात्पर्य है कि इस धारा के अंतर्गत आवंटन करने में ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया गया है जिसके पास अपर्याप्त भूमि हो, आवास बनाने के लिए अपर्याप्त भूमि हो, या उसका इतनी भूमि हो कि वो अपने परिवार का गुजर बसर उसमें नहीं कर सकता हो, या तो फिर उसके पास कोई मकान ना हो, उसे भूमि का आवंटन किया जाएगा। यानी कि आवासी या आबादी भूमि का आवंटन उस व्यक्ति को किया जाएगा। आप देखते हैं धारा 64 की उपधारा 3 में बताया गया है इस धारा के अधीन आवंटित भूमि को आवंटी द्वारा ऐसे निबंधन और शर्तों पर आधारित किया जाएगा जो विहित की जाए। कहने का तात्पर्य है कि जब आवंटन किया जाएगा तो उसके उसमें जो शर्तें लागू होती हैं वो आवंटी को पूरी तरह से मान्य करना होगा और मानना होगा। अब देखते हैं परंतु में आया है कि यह कि आवंटी विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है तो वह इस प्रकार आवंटित भूमि में सह आवंटी यानी कि बराबर के हिस्सेदार की सह आवंटी होगी। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई पुरुष है उसके पक्ष में आवंटन आवासीय आबादी भूमि का किया जा रहा है और उसकी पत्नी जीवित है तो उसको सह अंशधारी बनाया जाएगा। यानी कि जो भूमि आवंटित की जाएगी आवंटी को उसमें पति पत्नी का बराबर का हिस्सा होगा। तो साथियों आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 भूमि विधि के अंतर्गत धारा 64 आबादी आवासीय भूमि का आवंटन पट्टा और वरीयता क्रम का अनुपालन, धारा 64 की उपधारा 1 में बताया गया है कि वरीयता क्रम का अनुपालन किया जाएगा। उसमें खंड का खा गा है। और धारा 64 की उपधारा 2 में बताया गया है कि आवंटन करने में ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जाएगा जिसके पास परिवार की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए कोई भवन न हो या अपर्याप्त भूमि हो। और 64 की उपधारा 3 बताती है कि जो आवंटन की शर्तें हैं विधि में, जो आवंटन की शर्तें हैं इस संहिता में, जो आवंटन की शर्तें दी गई हैं उनको आवंटी को पूरी तरह से मान्य होगी। लेकिन इसमें परंतु में दिया गया है कि यदि पुरुष व्यक्ति है और उसकी पत्नी जीवित है तो वो सह आवंटी होगी। जो भूमि उसको आवंटित की जाएगी उसके पति को, उसमें पत्नी का आधा हिस्सा होगा। तो साथियों हमें पूरा विश्वास है कि आज आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 भूमि विधि के अंतर्गत धारा 64
में आवासीय आबादी भूमि का आवंटन किया जाता है, यानी कि मकान बनाने वाली भूमि का आवंटन किया जाता है। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।